Hello guys, welcome back to my channel. I am your Shilpa Chaudhary and I hope you all are doing well and staying safe. तो जैसे कि आप देख रहे हो हम गाड़ी में ही वेलकम कर रहे हैं. उसका रीज़न ये है कि मैं जस्ट अभी निकली हूँ, उठकर सो कर सीधा गाड़ी में आकर बैठ गई हूँ क्योंकि बहुत ऐसे थोड़े बहुत काम थे जो अभी पेंडिंग थे हम कर रहे हैं, और अभी भी हम जा रहे हैं मार्केट कुछ सामान लेने. उसके बाद हमें हमारी फ्रेंड केक की कॉल आई थी कि जो आदि है जो बर्थडे में भी आया था, डरा दिया यार कितनी देर में पसीने आ गए. जो आदि है जो बर्थडे में भी आया था उसका ऑपरेशन हुआ है, उसको स्टोन था, तो उसको भी देखने अभी हॉस्पिटल जाएंगे. हमने लोकेशन मांगी है क्योंकि आज हम सोच रहे थे अपना वेरिफिकेशन का सेलिब्रेशन करेंगे, बट जैसे ही वो पता लगा तो फिर थोड़ा सा ऐसे हो गया नहीं अभी नहीं करते हैं. तो हमने फिर सबने डिसाइड किया कि कब सेलिब्रेशन करेंगे, 16th को. हाँ 16th, वैसे मेरी लकी डेट है 7, 16 को करेंगे. तब तक ये भी अच्छा हो जाएगा और सब फ्री भी हो जाएंगे. बाकी यही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट अभी अपने जो और काम है वो निपटाती हूँ और उससे पहले खाऊंगी मोमोज आज फिर. सॉरी बहुत अजीब सा हो गया, एक दो दिन से रेगुलर खा रही हूँ ना, बस आज लास्ट, उसके बाद कल से इसको बैन कर देंगे क्योंकि मैं मोमोज पहले बिल्कुल नहीं खाया करती थी और अब पता नहीं क्यों ऐसा हो गया. बात करते करते मुँह में पानी आ गया गाइस. तो आज थोड़े डिफरेंट मोमोज ट्राई करती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ फिर वो कैसे लगते हैं. मोमोज खाने से पहले मुझे ध्यान आया कि मुझे लेनी है बेडशीट. फिर आप बोलोगे कि उस दिन भी बेडशीट लेने गए थे, जो हम लेकर आए हैं वो अच्छी नहीं लग रही है यार. तो जहाँ से पहले लेकर आए थे अभी वहीं जा रहे हैं. तो साहिल बोल रहे हैं कि थोड़ा लेट हो गया, बट मैं बोल रही हूँ शॉप मुझे ओपन मिलेगी. मेरे हिसाब से नहीं मिलेगी, 9 o'clock हो गया ना. मिल भी सकती है साहिल, अगर मिल गई तो 2 दिला दोगे? No. अगर मिल गई तो 2 दिलाएंगे, और नहीं मिली तो फिर मैं बोलूंगी नहीं दोबारा बेडशीट के लिए. और मेरा इतना स्लीपी फेस हो रहा है अभी, मैं जस्ट उठकर सोकर सीधा बस गाड़ी में बैठी हूँ, मैंने अपने आप को देखा भी नहीं. और मैंने अभी भी काजल, अब मेरा ना ऐसे हो गया, काजल मेरे कपड़े पहनती थी, अब मैं काजल के पहन रही हूँ क्योंकि मैं वहीं पे हूँ. और ऊपर हमारा जो फ्लैट है ना, मैंने आपको बताया था गर्मी ज्यादा लगती है, हमारा 2.5 टन का AC है जो फेल कर दिया छत के मकान ने. सही में मतलब ऐसा हो गया था डे में, मतलब कभी कभी नॉर्मल हो जाता है, कभी कभी बहुत गर्मी लगती है, बट वो ये कि कोई नहीं यहाँ पे सर्दियों के हिसाब से अच्छा है. विंटर्स में तो बहुत अच्छा है, मतलब घर आप इतना लगा लो, ये हम दो लोगों के लिए इतना बड़ा घर है, ये इतना बड़ा घर बहुत स्पेशियस है, बट वही है कि कुछ चीजें मिलती हैं तो कुछ चीजें नहीं मिलती हैं. हर चीज को पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो हमने गर्मियां जो है पाने के लिए कुछ चीजें खोनी पड़ती है. पहले बेडशीट लेने सुंदर से, यार पूजा घर की बेडशीट चाहिए ही चाहिए भाई, वो तो इम्पोर्टेंट है ना. वो अच्छी आई नहीं जो आप दिलाकर लाए थे, मैंने बोला था यहीं से दिलाकर. थैंक यू, तो हम 2 लेकर आएंगे गाइस. अब 3 लेना, नहीं 2 लेकर आएंगे. तो कह रहे थे बंद होंगी, अभी तो ऐसे दिखी नहीं है शॉप, ओपन हो गई, ओपन ही है, ओपन ही है. एक बेडशीट है ये, एक है ये, बाकी और भैया मुझे दिखा रहे हैं. एक ये है, ये अच्छी लग रही है ना, बट मुझे ये वाली ज्यादा अच्छी लगी है. अभी और भी देख रहे हैं, इसका एक और कलर दिखा रहे हैं, ये ज्यादा अच्छी है ना. वो ये ना हमारे उससे मैच नहीं हो रहा, वो पिंक पिंक में कुछ ना है, हल्का ही मतलब शेड का फर्क है. ये इसमें ये है, इस वाले मरून है, देख लो जो आपको ठीक लगे, है ना. तो हमने ये फाइनल किया है और ये तो हम पैक कर रहे हैं, लेकिन एज पर प्रॉमिस साहिल ने बोला था 2 दिलाएंगे, तो अभी एक और दिखा रहे हैं अंकल जी. नहीं नहीं मैंने कब बोला, बोला था आपने, बोला था ना अंकल जी, बोल रहे थे शॉप ना अभी क्लोज हो गई. नहीं भैया जी बस थैंक यू, अब देखना अभी अपने रूम के लिए भी देखूंगी, अब तो बस देखूंगी थोड़ी चले जाएंगे. ये अच्छी लग रही है ना उससे, वो भी अच्छी है. नहीं ये ज्यादा अच्छी है, तो जो पहली डाली हुई है ये तो बिल्कुल डिटो कॉपी लग रही है. हां तो ये नहीं, ये ज्यादा अच्छा लगा मुझे तो भाई. अब एक बार ये और देख लो, अलग सा है ना कुछ. इसमें बहुत सारे कलर हैं. नहीं मुझे इसकी बेडशीट दे दो, बेडशीट आपको सिंपल आएगा, बिल्कुल सिंपल है. डिजाइन ये नहीं होगा, डिजाइन तो बना हुआ क्योंकि
अच्छे लगे लिए। अच्छा मुझे पता क्या लगा था, ये पूरा बीच में ऐसे वो बना तो इनसे ज्यादा शरारती आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। ये लेने आते कुछ है, लेके जाते कुछ है। क्यूट लग रहा ना ये बता, अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है, इसको एज इट इज यहीं रख दो यार। ब्लैंकेट चाहिए सा है। हमने गाइस ये भी ले लिया दिवाली के नाम का अभी से मजा आ रहा है। अभी अंकल एक और लेने गए हैं, बस वो इनके यहाँ का लेटेस्ट डिजाइन है, बस वो लेके फिर चलती हूँ। फिर वहाँ पे जाना है हॉस्पिटल। अभी वैसे इसकी तबीयत सही है, बर्थडे में मस्त इंजॉय कर रहा था, एकदम से पता नहीं कैसे उसका ऑपरेशन हो गया। मैं डर गई, मुझे लगा वो सामने बंदा खड़ा है। मेरे को भी ऐसा लगा था। इसे गाड़ी नहीं होती है, ऊपर से बाइक्स की है। So guys, अभी जस्ट हम आदि को देखकर आए हैं, अभी वो बिल्कुल ठीक है और उसको स्टोन्स थे गोल ब्लैडर में, तो 15 mm समथिंग के उसको स्टोन थे, तो जिसकी वजह से उसकी सर्जरी करनी पड़ी है। बट अभी वो हंस रहा था और अच्छे से उसने मुझे सब बताया कि उसको पता ही नहीं लगा, तो बाकी हमने उसको बोला जल्दी जल्दी ठीक हो जा, फिर हमें अपनी सेलिब्रेशन दोबारा से करना है, वेरिफिकेशन की पार्टी करनी है। तो वो बोल रहा था कि हाँ मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, बाकी यार स्टोन अगर किसी को होता है तो उसको लाइटली ना लेना, नहीं तो फिर ऐसे सर्जरी हो जाती है। और मुझे स्टोन की प्रॉब्लम है, आपको पता है मेरी लेफ्ट किडनी में ना 7 mm का स्टोन था एक साल पहले, वो मैंने कुछ कराया नहीं, बस सडन अपने आप पेन बंद हो गया। अब मुझे उसको देख के थोड़ा आदि को ना अजीब सा हो गया, तो उसने कहा भाई इसको सही करा ले नहीं तो फिर ऐसे हो जाता है। मैंने बोला हाँ मैं करूँगी इसका कोई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लूँगी या फिर कोई देसी इलाज, जैसे होम्योपैथिक में आपने एक बार मुझे वो नहीं दिया था पानी में ड्रॉप ड्रॉप डाल के पीते थे, वो ला कर दे दो, उससे क्या पानी सबसे बेटर है, वो तो मैं पीती हूँ। लेकिन आज देखो मेरा गला कितना खराब है, सुबह से मैंने 2-3 glass नींबू पानी पी, नारियल पानी सबसे बेटर ऑप्शन। हाँ वो तो है, लेकिन वही है कि मैं अपना कर लूंगी भाई और एक बार फिर से अल्ट्रासाउंड करा के चेक कराऊंगी कि अभी भी है वो स्टोन या नहीं, क्योंकि जब मेरे को स्टोन पेन होता है ना इंजेक्शन ही लगता है उस पे, मतलब पेन किलर ही लगते हैं मुझे, तब जाके वो पेन सही होता है, इतना गंदा स्टोन पेन होता है। बट अभी मैं जा रही हूँ जिम की बात करने, क्योंकि मैं जिम ज्वाइन करने वाली हूँ। मैं घर में बहुत लेजी हो गई हूँ और यार गर्मियों में ना जिम करने का मन नहीं करता बिल्कुल भी, मुझे रहता है विंटर्स में करूँ, और जब विंटर आती है तब रहता है यार कौन ब्लैंकेट से बाहर निकले, और भगवान जी की कृपा से मैं एकदम फिट ही रहती हूँ। तो फिर भी मैं अभी जिम जा रही हूँ, दिखाती हूँ फिर आपको भी कि मैं वहाँ ज्वाइन करूँगी या नहीं। गरम गरम अच्छे लग रहे हैं। चार मोमोज हाफ ही बोला था हमने। अच्छा हाफ में चार ही आए हैं, चलो ठीक है। नहीं नहीं वैसे भी कम ही खाने हैं, बस मेरे को लग रहा है इतने टेस्टी निकलेंगे आप शायद खा लोगे फुल भी। एक आप खा लेना, तीन मैं और लाऊं? नहीं कम ही खाएंगे। नहीं नहीं खाओ ठीक है, आ जाओ। ओके यार गाइस मुंह में पानी आ रहा है बहुत गंदा, कल से नहीं खाऊंगी बिल्कुल भी, आज लास्ट है। सो गाइस हम लोग घर आ गए थे और जो जिम वगैरह की हम बात करने गए थे वो एक्चुअली मेरे फ्रेंड का ही है तरन मठारू का, तो मुझे होगा शायद मैं वहाँ पे हम सब साथ होंगे तो जिम कर पाऊँ, तो मैंने उसको बोला है कि मैं जल्दी आती हूँ ज्वाइन करती हूँ, और बाकी अभी मुझे भूख लगी है तो मैं खाने लगी हूँ छोले राइस और ये लस्सी है और ये ग्रीन वेजिटेबल है, तो बस अब अपना डिनर करूंगी। साहिल खाकर सो गए हैं, बूफी भी सो गया है, और अभी भी हम मम्मा हाउस ही हैं तो हम कल घर जाएंगे, क्योंकि अभी भी मम्मा पापा आए नहीं हैं, तो यहाँ पे सब अकेले थे तो हम लोग आ गए थे। तो मिलती हूँ आपको कल एक और नए व्लॉग के साथ।